हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं जेड डिस्कॉर्ड बॉट हमारे 5M सर्वर से। इस बॉट के थ्रू आप अपने QBCore सर्वर को मैनेज कर सकते हो अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के थ्रू डायरेक्टली। एंड सबसे स्पेशल बात, इसमें आपको कोई भी होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो आपको सबसे पहले आ जाना है इस वेबसाइट पे जो है gamerscore.com। एंड ये वेबसाइट मेरी ही वेबसाइट है। एंड यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो जो स्टेप्स आपको दिखाने वाला हूँ वो सारे स्टेप्स इस वेबसाइट में लिस्टेड है। तो आपको आ जाना है नीचे। एंड सबसे पहले आपको एक बॉट क्रिएट करना है वो डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल के थ्रू। तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। आपको बस इधर करना है ओपन इन अ न्यू टैब एंड आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। एंड याद रखना आपका डिस्कॉर्ड आईडी से यहां पे लॉगिन हुआ होना चाहिए तभी ये वेबसाइट चलेगी। तो आपको यहां पे क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पे। एंड यहां पे आपको एप्लीकेशन का नाम डाल देना है जो होगा एक 5M लिख दो चाहे 5M बॉट लिख दो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। एंड आपके सामने कुछ एक ऐसा पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको आ जाना है बॉट में। एंड बॉट में आके आपको ऐड बॉट कर लेना है। इससे ये आपका एक बॉट का आईडी क्रिएट कर देगा। एंड यहाँ पे आपको इसका एक टोकन भी मिलेगा जिससे आपका बॉट चलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने बॉट का नेम चेंज कर सकते हो, उसमें यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो या आप पे आपको क्या नाम रखना है एंड क्या फोटो लगानी है। और आप ये बार बार भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो आपको नीचे आ जाना है एंड सबसे पहले आप ये पब्लिक बॉट को डिसेबल कर दो। इससे क्या होता है कि कोई भी इस बॉट को अपने सर्वर में ऐड नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ आपको यहाँ पर ये दो चेक कर लेने हैं। एंड यहाँ पर आके आपको सेव कर लेना है, बस इतना सा काम है। एंड इसके बाद हम वापस इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। एंड यहाँ पे अब हमें सीधा टोकन जनरेट करना है। तो टोकन मैं यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। एंड इस टोकन को आपको अपने नोट पैड में सेव कर लेना है। ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं आ जाऊँगा नीचे एंड अब इस बॉट को मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर इन्वाइट कर लूँगा। तो इसके लिए मेरे को जाना है वापस इस वेबसाइट पे, फिर जाऊंगा जनरल इन्फॉर्मेशन पे। एंड यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन आईडी दिखेगी, ये होगी आपकी बॉट की आईडी। इसी के थ्रू आप अपने डिस्कॉर्ड बॉट को अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में इनवाइट कर सकते हो। बट इनवाइट करने से पहले मैं एक डिस्कॉर्ड सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ इस बॉट के लिए। आप इसको अपने मेन सर्वर में भी इन्वाइट कर सकते हो, नहीं तो आप इसके लिए एक अलग से सर्वर बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक सर्वर बना लेता हूँ एंड क्रिएट। सो यहाँ पर ये सर्वर बन चुका है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा वापस इस वेबसाइट पे एंड एप्लीकेशन आईडी को कॉपी करके अपने नोटपैड में पेस्ट कर लूँगा। ये हमें बाद में भी काम आने वाला है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आके ये लिंक कॉपी कर लेना है। ये होगा इसका इनवाइट लिंक। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद आपको ये एप्लीकेशन आईडी कॉपी करनी है एंड यहाँ पे जो ये योर बॉट आईडी लिखा है इसकी जगह रिप्लेस कर देनी है। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा एंड देन आपको इसको कॉपी करके न्यू टैब में पेस्ट करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। इससे आपका ये बॉट इन्वाइट हो जाएगा आपके सर्वर में। सो यहाँ पर मैं इसको ऑथराइज कर देता हूँ। एंड इसके बाद जब आप अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में देखोगे आपको ये बॉट दिखेगा। सो यहाँ पर मैं एक कैप्चर सॉल्व कर देता हूँ। सो कैप्चा सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि आपका बॉट आपके सर्वर में आ चुका है। सो इसके बाद हमें क्या करना है, आपको आ जाना है वापस नीचे एंड अब आपको गिटहब पे आके इनकी फाइल डाउनलोड करनी है जिसमें आपका सारे बॉट का कोड है। सो आपको इस लिंक पे आ जाना है एंड ये लिंक आपको मिलेगा इसी वेबसाइट में एंड ये बिल्कुल फ्री बॉट है, आपको कोई भी पैसे नहीं देने। सो यहाँ पे ये है जेड डिस्कॉर्ड बॉट। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड, पर आपको यहाँ से नहीं करना, आपको यहाँ से करना है रिलीजेस में आके जेड डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना है यहाँ पे एंड यहाँ से ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी कुछ ऐसे। इसके बाद आपको अपने 5M सर्वर के अंदर आ जाना है एंड न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है जेड डिस्कॉर्ड के नाम से। इसके बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ओपन करनी है इसकी कॉन्फिग JS फाइल। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड ओपन विद VS कोड या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हो। एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ एक ऐसा पेज दिखेगा। अब इसके अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको इस वेबसाइट पे भी लिस्टेड मिलेगी, वेयर एज इस बॉट के जो डेवलपर है उनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिस्टेड मिलेगी एकदम अच्छे से। सो अब जैसे मर्जी आप इसको कॉन्फ़िग कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं डाली बिकॉज उसमें बहुत इनडेप्थ इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी। सो आप इस लिंक पर आके भी सब देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ किस लिए है एंड आपको क्या ये इनेबल करनी चाहिए या नहीं। तो मैं वापस आ जाता हूँ इस बॉट पे एंड बेसिक
कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है एंड देन 5M सर्वर नेम। सो मैं ये चेंज कर देता हूँ, युवराज वर्मा रोल प्ले। देन आपके डिस्कॉर्ड का एक इनवाइट लिंक। सो यहाँ पे मेरा जो मेन डिस्कॉर्ड है मैं इसका लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आ जाती है आपकी 5M सर्वर आईपी। अगर आपका ये 5M सर्वर लोकल होस्ट पे होस्टेड है तो आप यहाँ पे ये सेम आईपी रहने दो क्योंकि लोकल होस्ट की आईपी है, वरना आप अपने 5M सर्वर की आईपी डाल सकते हो जहाँ पे ये होस्टेड है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको डालना है टोकन और अपने डिस्कॉर्ड की आईडी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोकन पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे नोटपैड में पेस्ट किया था। सो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रिप्लेस। सीखो 72 कैरेक्टर का होता है एंड ये आप संभाल के रखना, बिकॉज जैसे ही अगर ये आपका टोकन लीक होता है आपके डिस्कॉर्ड बॉट का एक्सेस किसी और के पास चला जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है तो आप रीसेट कर लेना ये टोकन एंड ये टोकन चेंज हो जाएगा एंड आपका बॉट वापस ऑफ हो जाएगा जब तक आप न्यू टोकन यूज़ नहीं करते। उसके बाद आपको डिस्कॉर्ड में गिल्ड आईडी डालनी है। अभी होगी आपकी डिस्कॉर्ड सर्वर की आईडी, उसके लिए आपको आ जाना है इधर एंड यहाँ पे आपको कॉपी आईडी का बटन दिखेगा। अगर आपको नहीं दिखता मेरी तरह तो आपको आ जाना है अपने डिस्कॉर्ड आईडी की सेटिंग्स में, देन आपको आना है नीचे एडवांस में एंड यहाँ पे आपको डेवलपर मोड को इनेबल कर लेना है। इसके बाद इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एंड अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर कॉपी आईडी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाता है इनेबल स्टाफ चैट फॉरवर्डिंग। अगर आपको ये सब रखना है तो आप रखो स्टाफ चैट, उसका आपको एक चैनल बनाना पड़ेगा एंड वहाँ से ये सब चलेगा। तो आपकी मर्ज़ी, ये चीज़ मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा। इसके बाद आ जाता है वाइट लिस्टिंग। सो जिसके पास डिस्कॉर्ड रोल होगा वही यहाँ पे एंटर कर सकता है आपके सर्वर में। अगर आपको ये चीज़ इनेबल करनी है तो आप यहाँ से इनेबल कर दो एंड यहाँ पे जो उस वाइट लिस्ट का रोल की जो आईडी है आपको वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। सो मैं ये चीज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं अपने सर्वर की सेटिंग में एंड यहाँ पर मैं कुछ रोल क्रिएट कर लूँगा। जैसे सबसे पहला रोल मैं बनाऊँगा यहाँ पर एडमिन का। इनमें पावर हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये रोल होने चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें ढंग से वर्क कर पाए। इसके बाद मैं एक रोल बना दूंगा स्टाफ का और एक रोल बना देता हूँ मैं मॉड का और लास्ट एक वाइट लिस्ट का रोल, कुछ ऐसे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी रोल आईडी यहाँ से कॉपी करनी है। तो सबसे पहले मेरे को वाइट लिस्ट आईडी चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा कुछ ऐसे एंड कॉमा के बाद बाकी सारी चीज़ हटा दूँगा। इसके बाद मेरे को यहाँ पे नीचे आके मॉड रोल डालना है एडमिन एंड गॉड रोल। सो ये सब मैं यहाँ से डाल लेता हूँ। सो ये जो एडमिन है इसको मैं गॉड बना दूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर एंड सेम आगे चलते हैं स्टाफ को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ एंड स्टाफ को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चलो एडमिन में एंड लास्ट जो मॉड है उसको मैं करता हूँ कॉपी एंड मॉड में डाल देता हूँ कुछ ऐसे। इसके बाद नीचे आना है एंड बाकी सेटिंग आप करो चाहे ना करो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आप कोई भी सेटिंग करते हो याद से आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ पढ़ के कर लेना, बहुत इजीली आपका ये सेटअप हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने बेसिक सारी सेटिंग कर दिया जितनी मेरे को अभी ज़रूरत थी। सो मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद मेरे को अपने सर्वर सीएफजी के अंदर जाके इस बॉट को रन करना है। तो यहाँ पे जाऊँगा यहाँ पे एंड एनश्योर जेड डिस्कॉर्ड और मैं इसको कर लूँगा सेव। यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव किया है यहाँ पे जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट होगा ये बॉट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए आपको कोई अलग से होस्टिंग नहीं चाहिए, जब तक आपका सर्वर चलेगा आपका ये बॉट चलेगा। सो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है एंड अब मैं आके अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ, बट उससे पहले मैं अपने आप को रोल्स दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैं सिर्फ अपने आपको अभी एडमिन का रोल दे रहा हूँ, बाकी वाइट लिस्ट का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ सबसे पहले अपने सर्वर को स्टार्ट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट जैप होस्टिंग जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में और आपको सबसे एंड में कुछ ऐसा दिखेगा जेड डिस्कॉर्ड की क्यूबीकोर फाउंड एंड यहाँ पे सब कुछ लोड हो जाएगा एंड अपने आप स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे जब आप राइट साइड में देखते हो
तो आपका यहाँ से बॉट भी ऑनलाइन आ जाएगा। तो अब एक बार मैं 5M ऑन करता हूँ एंड आपको बिना डिस्कॉर्ड वाइटलिस्ट रूल के एंटर करके दिखाता हूँ कि क्या मैं एंटर कर पाऊँगा या नहीं। सो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने लोकल होस्ट से। सो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है कि यू आर नॉट वाइट लिस्टेड। सो यहाँ पे मेरा डिस्कॉर्ड आईडी जो था वो कनेक्टेड है यहाँ पे सर्वर से, तो उसके थ्रू ये सब हो रहा है। सो यहाँ पे मैं एक बार अपने आपको वाइट लिस्ट का रूल दे देता हूँ एंड फिर कनेक्ट करके देखता हूँ अपने सर्वर से। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने डिस्कॉर्ड में एंड यहाँ पे अपने आईडी पे आके वाइट लिस्ट का रूल दे देता हूँ। और अब अपने सर्वर से कनेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं इजीली कनेक्ट हो गया। सो यहाँ पे मैं आ चुका अपने 5M सर्वर में एंड मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ। सो अब हम कुछ कमांड्स ट्राई करते हैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके कि हमें यहाँ पे क्या क्या कमांड्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश, क्योंकि इसमें सारे स्लैश कमांड है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सारे कमांड दिख जाएंगे जो इस बॉट में सपोर्टेड है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर से शुरू करते हैं अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज डालता हूँ, फॉर एग्जांपल हाय, एंड जैसे ही अनाउंसमेंट डालूंगा ये मेरे 5M सर्वर के अंदर आ जाएगा। आपको एक बार ही मैं दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टी दबा देता तो आपको ऊपर अनाउंसमेंट दिखेगा। अब आ जाते हैं हम अपने अगले कमांड्स में। सो यहाँ पे अगला कमांड अगर मैं डालता हूँ फिर से स्लैश, तो यहाँ पे अगर मेरे को किसको बैन करना है उसकी आईडी मेरे पास होनी चाहिए एंड उससे मैं उसको बैन कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आईडी भी मैं यहीं से देख सकता हूँ जो होगा कमांड ऑनलाइन प्लेयर्स का, शायद ऑनलाइन काउंट। अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने लोग अपने सर्वर में अभी प्ले कर रहे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्लेयर्स, सो यहाँ पे मेरे को लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन प्लेयर मेरे सर्वर में है, उनकी यहाँ पे आईडी क्या है एंड उनकी यहाँ पे कैरेक्टर आईडी क्या है, ये सब मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा अगर मैं और कमांड डालता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरे को किसी को जॉब देनी है, किसी की इन्वेंट्री देखनी है, तो मैं वो सब भी यहीं से कर सकता हूँ। सो अगर मेरे को अपनी ही इन्वेंट्री इंस्पेक्ट करनी है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंस्पेक्ट इन्वेंट्री एंड यहाँ पे खुद से ही चीज़ें मांगेगा इसको जो जो चाहिए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आईडी 1। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे दिख गया कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आइटम्स हैं एंड उन आइटम की आईडी, मतलब उन आइटम का एक स्पॉन नेम हो वो भी मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद मैं बाकी और चीज़ें ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को अपने आप को अगर जॉब देनी हो तो मैं वो भी यहीं से कर सकता हूँ। वो होगा जॉब, उसके बाद सेट, फिर आईडी 1 एंड यहाँ पे शायद मेरे पास पुलिस की जॉब है या नहीं मेरे को आइडिया नहीं, तो एक बार मैं वापस पुलिस डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे ग्रेड, आपको कौन सा ग्रेड देना है, यहाँ पे सारे ग्रेड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके सर्वर में है, ये बस यहाँ पे दिए हुए हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इतने ग्रेड ये बॉट सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे मैं ग्रेड 1 दे देता हूँ एंड एंटर। सो यहाँ पे मेरे जो जॉब है वो चेंज हो चुकी होगी मेरे 5M सर्वर में, जाके एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ जॉब एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लॉ एनफोर्समेंट मेरे पास जॉब है। अब कुछ और बाकी कमांड्स देख लेते हैं एक बार। सो मैं अगर कमांड कोई और देखता हूँ यहाँ पे, तो मैं शायद अपने आप को पैसे भी दे सकता हूँ। तो मैं करूँगा मनी ऐड, मेरे को आईडी डालनी है, मनी टाइप आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं कर लूँगा कैश एंड अमाउंट, अगर मेरे को कुछ भी करना हो यहाँ पे ये अमाउंट हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास जो पहले पैसे थे वो यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे अब कितने पैसे मेरे पास वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो ये सारे कमांड्स थे जो यहाँ पे हमें अवेलेबल मिलते हैं। एंड एक बार आपको मैं अगर यहाँ पे वापस वेबसाइट में जाके दिखाऊं, सो यहाँ पे आपको पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे जो जो मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं इस बॉट को चलाने के लिए। एंड उसके अलावा अगर आपको और इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, सो आपको यहाँ पे इसके डेवलपर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी यहाँ पे लिस्टेड है एंड यहाँ पे अभी जितने अवेलेबल कमांड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज ये मेरी ही वेबसाइट है जहाँ पे आपको 5M, डिस्कॉर्ड, टेरोडेक्टाइल, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के पोस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे मैं डालने की ट्राई करूँगा। एंड अगर आपको भी यहाँ पे एज अ ऑथर काम कर रहे हैं तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे DM ज़रूर कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दिखेगी, आप मेरे को वहाँ पे मेल कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहां पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।